हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डी के एस आई एस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से ही 2019 पीटी की परीक्षा में लग जाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप लगभग लगभग पूरा का पूरे प्रश्न हल कर पाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ कम से कम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चन लाएँ जो ज़्यादा ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको लगभग लगभग 100% तैयारी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न से में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। आज का हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है यह कहाँ से पता लगता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना द्वारा, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों द्वारा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों द्वारा या ऑप्शन डी निर्देशक तत्व द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। आज का दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न से कौन भारत की राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राज्यपाल ही भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी तय नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। आज का दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं। ऑप्शन ए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी वित्त आयोग के अध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं। तो दोस्तों आपको ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे जरूर से जरूर बताइएगा और चैनल को DKS चैनल IAS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।